परमेश्वर से उद्धार, परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए आए हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपना समस्त ध्यान आप परमेश्वर की तरफ लगाइए। और अब मैं जिस किसी भाई या बहन के पास मोबाइल है, पहला काम उसे बंद कर दे, क्योंकि मोबाइल के दौरान शैतान आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए आप शैतान को मौका मत दीजिए। जिसके पास है वह बंद कर ले, अपना ध्यान अपना मन आप परमेश्वर की तरफ लगाओ, क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर हर मनुष्य से प्रेम करता है, इसलिए मनुष्यों को बचाना चाहता है वह। परमेश्वर मनुष्य को इसीलिए बचाना चाहता है। और आप हो कि परमेश्वर के पास आए हो बचने के लिए, तो तभी आप बचोगे जब आपका संपूर्ण ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा रहेगा, मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर हर मनुष्य के हृदय में वास करना चाहता है, हर मनुष्य के हृदय में उतरना चाहता है। जो मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए बनाया कि उनके बीच में विराजमान होने के लिए, उनके बीच में उपस्थित रहने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सर्वप्रथम परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो बिल्कुल अपने समानता में बनाया। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे मनुष्य को भी पवित्र बनाया था। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया, परमेश्वर के खिलाफ नादानी कर दिया, गुनाह किया, पाप किया। और पाप के कारण क्या हुआ कि जो परमेश्वर ने पवित्र बनाया था, वह पवित्रता को ही नष्ट कर दिया। मनुष्य परमेश्वर की दी हुई पवित्रता को नष्ट कर दिया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो मनुष्य के भीतर एक हृदय बनाया, जिसमें अपने रहने का स्थान बनाया था, वह भी बिल्कुल पवित्र था। और आज भी वह स्थान है, हर मनुष्य के भीतर परमेश्वर के रहने का स्थान है। लेकिन थोड़ी सी उसमें दिक्कत आ गई है। क्या दिक्कत आ गया है कि पहले जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, अपना स्थान बनाया था, तब वह पवित्र बनाया था। लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया कि परमेश्वर के स्थान को ही गंदा कर दिया। हालेलुया। इसलिए आज मनुष्य उस परमेश्वर को अपने भीतर बुला रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं उस भीतर आ पा रहा है। क्यों? कारण क्या है कि उस भीतर गंदगी भरी हुई है। मेरे प्यारे भाई बोलो, हम इंसान होकर गंदगी को ग्रहण नहीं कर सकते। वह तो परमेश्वर है, वह तो खुद पवित्र है। हम पापी होकर भी गंदगी को हम ग्रहण नहीं कर पाते, हम गंदगी से नफरत करते हैं। लेकिन वह तो पवित्र है, जो पवित्र स्वयं पवित्र है वह गंदगी के पास कैसे आएगा। हालेलुया। आप खाने पीने की चीजें जब ग्रहण करते हो या पहनने की ग्रहण करते हो, तो अगर उस खाने वाली चीज में अगर गंदा मिक्स हो या मट्टी मिक्स हो, तो आप ग्रहण नहीं करोगे। या आपके वस्त्र जो बढ़िया बढ़िया है, अगर उस पे कचरा लगा हुआ हो, तो आप अपने बदन पे नहीं डालोगे, कहोगे गंदा है। क्या करोगे? उसकी सफाई करोगे, उसके बाद अपने बदन पे डालोगे। घर के अंदर गंदगी हो गई है, आप उस घर के भीतर जमीन पे बैठने की कोशिश नहीं करोगे, कहोगे गंदा है, यहां बैठेंगे कपड़ा खराब होगा, शरीर के अंदर गंदगी लग जाएगी, इतना ध्यान होता है। लेकिन जिस चीज को गंदगी से बचाना चाहिए, मनुष्य उस पर ध्यान नहीं देता। जिस चीज को बचाना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता। काश मनुष्य अपने आप को पाप से बचाता और यह समझ के बचाता कि अगर हम पाप करेंगे तो हमारे परमेश्वर का जो मंदिर हमारे भीतर है वह भी गंदा हो जाएगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ हमारे भीतर नहीं आ पाएगा। अगर ये चीज इंसान अपने अंदर रखकर और हर एक गंदगी से, हर एक पाप से अपने आप को बचाता रहे, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर जो मनुष्य को बनाने से पछताता है, वह क्या करेगा? प्रेम करेगा और हर मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के हृदय में वह भीतर उतर आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 के 16 और 17 वचन कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? वचन क्या कहती है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है,
और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। वचन कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करने वाला है। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे हमेशा के लिए नाश करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हालेलुया। वचन कहती है कि परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है। और वह पवित्र मंदिर कोई और नहीं, तुम ही हो। वचन कहती है वह तुम ही हो। मनुष्य को दिखा रहा है कि वह मंदिर तुम हो, जिस मंदिर के भीतर परमेश्वर वास करता है। वह पत्थरों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वह ईंट के बनाए हुए या मिट्टी के बनाए हुए या लकड़ी के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वह अपने हाथ के बनाए गए मंदिरों के अंदर रहता है, जिसका है बनाए हुए मंदिर चलते फिरते बोलते और उसके नाम की उपासना करते। हालेलुया। इसीलिए वचन हमें चेतावनी दे रही है, हमें समझा रही है, बता रही है कि देख तू जो बनाया गया है तो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे भीतर रहने के लिए वह जगह बनाया है, वह जगह तुम्हारा हृदय है। और वह परमेश्वर ने कहा जो उस मंदिर को ढा देगा, नाश कर देगा, हमेशा के लिए नाश कर दूंगा। ढाने का मतलब परमेश्वर ने इस बात के लिए कहा है कि एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य की हत्या करता है, एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के ऊपर घात करता है, एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य को सताता है, दाह करता है, ईर्ष्या करता है, उसके विनाश के बारे में सोचता है, उसको तंग करने के बारे में सोचता है, परमेश्वर कहता है मेरे बनाए हुए मंदिर के हानि के बारे में जो सोचेगा, जो हानि करेगा, मैं उसके जीवन की हानि कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही वचन कह रही है कि तुम्हारा जो हृदय परमेश्वर का मंदिर है, और वह परमेश्वर का जो मंदिर है वह पवित्र है, वह कोई और नहीं तुम हो। और सच में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बिल्कुल पवित्रता से बनाया था, उसका हृदय बिल्कुल पवित्र था, उसमें डाह की बातें नहीं थी, ईर्ष्या की बातें नहीं थी, क्रोध की बातें नहीं थी, बदले की भावना नहीं थी, व्यभिचार का काम नहीं था, शुगली का काम, श्राप देना किसी के प्रति, कोई भी प्रकार के बुरा व्यवहार करना, ये बातें उस हृदय के अंदर नहीं था। परमेश्वर जो हृदय बनाया था, जो उसके अंदर से निकलता है, वही चीजें उस मनुष्य के भीतर से निकलने वाला था जब सर्वप्रथम परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर कैसा है? दयालु है। परमेश्वर कृपालु है, प्रेम है, आनंद है, कृपा है, धीरज है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, आनंद है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा गुण हमारे हृदय के भीतर नहीं है। हमारे अंदर क्या है? उसके एक खिलाफ है, दाह है, ईर्ष्या है, विरोध है, मतवालापन है, लीला कीड़ा है, हत्या की भावना, घात की भावना, धोखा की भावना, ये नाना प्रकार के जितने भी काम है मनुष्य के भीतर आ गए। यही कारण है कि मनुष्य से परमेश्वर इतना दूर हो गया है कि मनुष्य बार बार अपने अपने जीवन में उसे बुलाना चाहता है, परमेश्वर आ ही नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक बात रख दिया, एक काम रख दिया है कि भाई तू अपने जीवन में मुझे बुलाना चाहता है तो जो कुछ बातें मैं तुम्हें सुनाता हूं पहले ध्यान से उसे सुन ले, पहले ध्यान से सुन ले और सुनकर वो काम कर जो मैं तुमसे कहता हूं। जब तू मेरे उन कामों को करेगा तब तेरे जीवन में तेरा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य तो भरा हुआ है उन चीजों से जो परमेश्वर को भाता नहीं है। नाना प्रकार के विद्रोह, नाना प्रकार के गुनाह से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। इसलिए याकूब की पत्री अध्याय 1 के 21 वचन को आप देखोगे, उसमें वह वचन हमें बता रही है, कह रही है इस प्रकार तू अपने सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके
वचन को नम्रता से ग्रहण करो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, क्योंकि उस वचन के द्वारा ही तुम्हारे प्राणों का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन के द्वारा ही प्राणों का उद्धार होने वाला है, वचन के ही द्वारा प्राणों का उद्धार होने वाला है। उद्धार आकाश से आपके ऊपर गिर नहीं जाएगा, या कहीं जमीन में छुपा नहीं है कि आप खोद कर बाहर निकाल लोगे, या किसी खदान में बंद नहीं किया गया है। उद्धार जो उद्धार आप तलाश कर रहे हो, जिस उद्धार की आपको आवश्यकता है, वह कहीं और नहीं है, वह परमेश्वर के वचन के भीतर है। इसलिए वचन कह रही है कि तू अपने अंदर की सारी मलिनता को निकाल दे, सारे बैर भाव को समाप्त कर दे, अपने अंदर से दूर कर दे, और ऐसा करने के बाद तुम उस वचन को धारण कर लो, नम्रता से उस वचन को धारण करो जो तुम्हारे हृदय के अंदर बोया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी वचन आपके हृदय में बोया जाता है, वचन कहती है उन सारी वचनों को नम्रता से तुम ग्रहण किया करो, उन सारी वचनों को नम्रता से ग्रहण किया करो। क्यों? क्योंकि उस वचन के द्वारा ही तुम्हारे प्राणों का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सारी वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम सारी वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। हम उस पर ध्यान नहीं देते, अपने जीवन में उसे उतारते नहीं, हम ये नहीं समझते कि ये हमारे लिए जरूरी है, और हम करते नहीं, अपनी मनमानी ही मनमानी करते, जो हमें अच्छा लग जाता है, जिनमें हमें आनंद आता है, वही काम करते हैं। और ये बातें नहीं ध्यान में रखते कि भाई ऐसा करेंगे तो आगे हमारे प्राणों के लिए क्या होगा। अभी शरीर को तो आनंद आ रहा है, लेकिन प्राण के लिए क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, इस बारे में मनुष्य ध्यान नहीं देता है। उसको ये समझ में आता है भाई जो शरीर को बढ़िया लगता है वही काम करते रहो, अगर शरीर को बढ़िया लग रहा है तो भाई प्राणों को बढ़िया लगेगा, प्राण के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम शरीर के लिए हम जो अच्छा सोचते हैं वह हमारे लिए बुरा होता है। जो हम अपने शरीर के आनंद को लिए, आनंद के लिए अच्छा सोचते हैं, वह हमारे प्राणों के लिए घातक होता है। और इस बात का हम ध्यान नहीं देते हैं, बस वही करते हैं जो हमें आनंद आ रहा है। अगर कोई हमें मना भी करता है तो हम क्या करते हैं, नहीं भैया हमारे लिए बढ़िया है। अगर किसी को स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में बताना चालू करो, भैया आप पृथ्वी के ऊपर जो बोओगे वही जो है कि मरने के बाद काटोगे, या इस संसार में जैसा काम करोगे मरने के बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा, कहेंगे भैया जीते जी कुल मिलने वाला है, मरने के बाद नहीं मिलेगा, स्वर्ग नरक यही धरती पे हो, यही जो कुल मिल जाए। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन की सच्चाई को नहीं जानते कि जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तो आप अपने जीवन को परीक्षा में डालकर रखोगे, आप परीक्षा में डालकर रखते हो। जब आपके प्राण आपके शरीर से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद आपके जीवन का फल आपके सामने आता है। उसके बाद क्या होता है, आपके जीवन का फल आपके सामने आता है, भैया आपने परीक्षा में कैसा जो है कि नंबर पाया है, बढ़िया पाया है तो भाई आपको खुशहाली मिलेगी, और नील बटा सन्नाटा पाया है तो आपको क्या मिलेगी, रोना मिलेगा। ठीक वही है, ये जीवन जो आप जी रहे हो, जिसको जानते हो कि नहीं सब कुछ सारा फल यही जीते जी भोग लेना है, तो ऐसा नहीं है। मरने के बाद तो जिंदगी का शुरुआत होता है, और ऐसी दर्दनाक भयानक जिंदगी होती है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और समझ जाता है कि इतने में ही सब कुछ है, इतने में ही संपूर्ण जीवन है। जैसे एक बार
एक बेटा अपने बाप के साथ छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था। एक बेटा अपने बाप के साथ छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था और उसके पास जितने धागे थे सारा धागा वह छोड़ दिया था और धागा को एक जगह पे बांध दिया था और पतंग उड़ रही है, खूब बढ़िया सा उड़ रही है। वह देखकर बड़ा आनंदित हो रहा है, बहुत मगन हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। और उसी खुशियाली में अचानक उसके मन में ख्याल उत्पन्न हो जाता है, एक सोच आ जाती है। और जब सोच आ जाती है तो अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी ये इच्छा है, मैं चाहता हूं कि यह पतंग और ऊंचाई पे उड़े, और यह ऊंचाई पे तभी उड़ेगी कि जब हम इसे आजाद कर देंगे, इसको बंधन में नहीं डालेंगे, इसे आजाद कर देंगे, इसे खोल देंगे। पिता ने कहा, बेटा ये तेरा गलत निर्णय है, ये अच्छा नहीं होगा, तेरी सोच गलत है, छोड़ देगा आ तो ये गलत करेगा, तो जैसा तू चाहता है वैसा नहीं होगा। कहा, पिताजी हम एक बार जरा करके ट्राई करते हैं। बेटा मानता नहीं है, पिता मना करता है, बेटा समझ कर रही पतंग ऊपर नहीं जाएगी, ये बढ़िया उड़ रही है, अच्छा उड़ रही है, इसे रहने दे इसी तरह। वो कह रहा है, पिताजी मैं चाहता हूं और ऊंचाई पे जाए, आकाश में चली जाए, और ये धागे से बंधी है, यही कारण है कि ये ऊपर नहीं जा पा रही, बेचारी जाना चाहती है मगर यही पे अटकी हुई है। अगर हम छोड़ दें इसको तो ये जहां चाहेगी वहां चली जाएगी। कहा, बेटा तू तो गलत सोच रहा है। कहा, नहीं पिताजी मुझे करना है, हमारी जहां तक सोच है कि ये जाएगी, बहुत ऊंचा जाएगी, क्योंकि हवा का दबाव हो रहा है और ये जाना चाहती है ऊपर, लेकिन ये धागा इसे पकड़ के रखा है, अगर धागा तोड़ ले तो ये जाना चाहती चली जाती। पिता ने कहा, भैया तू कह के अपने मन का देख ले, नहीं मेरी बातें मान रहा है तो तू अपने मन का करके देख ले। और उसने बेटा ने क्या किया, तुरंत क्या किया, जहां धागा बांधा हुआ था वह धागा को तोड़ता है और उस पतंग को छोड़ देता है। वह सोचता है कि बड़ी तेजी से अब ऊपर जाएगी, लेकिन हुआ क्या, वह तेजी से ऊपर जाने के बजाय वह तेजी से नीचे आना चालू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जेली वह लड़का, जेली वह बेटा क्या करता है, पतंग के धागे को छोड़ता है, सोचता है कि यह बहुत ऊपर जाएगी, मुझे और आनंद आएगा, लेकिन जेली वह छोड़ता है ऊपर जाने के लिए, तेरे क्या होता है कि वह पतंग ऊपर जाने के बजाय वह नीचे आना चालू हो जाती है, और कुछ ही थोड़े ही सेकेंड में होता क्या है कि वह पतंग जमीन पे गिर जाती है। तब पिता क्या करता है, अपने बेटे के पास आता है, पिता अपने बेटे के पास आता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बेटा मैंने तुझसे मना किया ना, मैंने कहा ना कि ये ठीक अपने जगह पे है, ये ठीक अपने जगह पे है, ये बढ़िया सा उड़ रही है, ये बंधन में बनी रहेगी तो सही ढंग से उड़ेगी, छोड़ दिया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा, मैंने तुझे मना किया ना कि तेरा निर्णय गलत है, जो तू सोच रहा है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आज जो नियम है यही है कि जब तक ये धागे में बंधी रहेगी तब तक ये उड़ती रहेगी, धागा छोड़ देने पे वह गिर जाएगी। बेटा समझ जाता है, मेरे प्यारे भाई बोलो ठीक उसी प्रकार, जब तक मनुष्य परमेश्वर के दायरे से बंधा हुआ होता है, परमेश्वर के नियम से बंधा हुआ होता है, परमेश्वर की आज्ञा में बंधा हुआ होता है, परमेश्वर के मार्ग में खड़ा हुआ होता है, तब तक उसका जीवन तो हमेशा खुशियों से भरा हुआ होता है। जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में अपनी मनमानी चालू कर देता है उसी दिन क्या होता है, वो गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन वह गिर जाता है और गिरने के बजाय क्या होता है, पछताना पड़ता है, और वो पछताना बेकार का होता है। जैसे वह बेटा ने जब छोड़ दिया पतंग को और पतंग नीचे गिर गई और वह धागा भी उसके हाथ से दूर चला गया और वह छत पे था और वह छोड़ता है तो धागा भी दूर चला जाता है और पतंग भी
जमीन पे गिर जाती है और वह पछताता है कि काश मैं धागे को नहीं छेड़ा होता तो मेरी पतंग मेरे पास रहती, वह कहीं दूर इधर उधर नहीं जाती। आज मैंने छोड़ दिया, वह ऊपर जाने के बजाय नीचे गई और नीचे गई तो मेरे हाथ से भी चली गई। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार होता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। हमारा जो जीवन है उस धागे के समान है, उस पतंग के धागे की तरह है। हमारा जो संपूर्ण जीवन है उस पतंग के धागे की तरह है, हम उस पतंग की तरह है, हम उस पतंग की तरह है। अगर जिस दिन है हमारे जीवन का धागा, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ से छुड़ा लेंगे और अपनी मनमानी चलाएंगे तो वही होगा, क्या होगा कि हम नरक के कुएं में गिर जाएंगे, हमारे जीवन का नाश हो जाएगा। जिस दिन जब तक हम परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन सौंपे रहेंगे और परमेश्वर के इशारे पे हम उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक तो हम आनंदित रहेंगे, अच्छे से उड़ते रहेंगे उस पतंग की तरह। और जब ही धागा छूटा कि हम जमीन पे गिर गए। मेरे प्यारे भाई बोलो, इसलिए वचन कह रही है कि जो तुम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ से ले लिए हो, जो तुम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ से ले लिए हो, तुम्हें क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में फिर से देना है, परमेश्वर के हाथ में दे दो, ताकि परमेश्वर वो पकड़ा रहेगा तो तुम जो है कि आनंदित जीवन जियोगे। इसलिए वचन में आपने अभी सुना कि ये वचन क्या कहती है कि तुम अपनी सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस परमेश्वर के पवित्र वचन को धारण करो जो तुम्हारे हृदय के अंदर बोया गया है, उसको नम्रता से धारण कर लो। तब क्या होगा कि वह वचन ही तुम्हारे प्राणों का उद्धार कराएगा। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, हर मनुष्य को यह आवश्यकता है कि हम आनंदित रहें, हम मगन रहें, और मगन तभी रहेंगे कि जब हम परमेश्वर की छाया में रहेंगे। मगन तभी रहेंगे, हम खुशियों से तभी भरे रहेंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में हैं, तब हमारा जीवन तो बढ़िया बढ़िया चलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब की पत्री अध्याय 1:22 वचन की तरफ ध्यान दोगे तो इसीलिए वचन हमें क्या सिखा रही है कि तुम सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनो। तुम वचन पे चलने वाला बनो, सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो सुनने वाला होता है वह अपने आप को धोखा देता है। जो कोई मनुष्य सिर्फ वचन का सुनने वाला होता है वह अपने जीवन को धोखा देता है। जो सुनकर चलता है उसके लिए नहीं, जो सिर्फ सुनता है और चलता नहीं वह अपने आप को धोखा देता है। इसलिए यहां वचन हमें बता रही है कि तुम सुनने वाला मत बनना, उस पे चलने वाला बनना। क्योंकि चलने वाला मनुष्य परमेश्वर से जो इच्छा रखता है उसकी सारी इच्छा परमेश्वर के द्वारा पूरी हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने अंदर की मलिनता को बाहर निकालने की कोशिश करिए, उस परमेश्वर का दिया हुआ जो आपके अंदर हृदय है उसे पवित्र करिए, ताकि वह पवित्र परमेश्वर आपके हृदय में उतरे। क्योंकि वह आपके हृदय में, आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन आपके गंदगी के कारण वह नहीं आ पाता है। क्योंकि आपने क्या किया कि उसके मार्ग से हटकर आपने अपने जीवन में गंदगी ले लिया है। इसलिए वह परमेश्वर कहता है, इस गंदगी को धो लो, अपने हृदय को पवित्र कर लो, ताकि वह पवित्र परमेश्वर क्या करे, आपके दरवाजे पे आपके दरवाजे पे वह खटखटाहट की आवाज दे, ताकि आप उस आवाज को सुनो, आप अपने हृदय के दरवाजे को खोलो कि वह स्वर्ग से क्या करे, आपके हृदय में उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रेम है। यदि हम
उस परमेश्वर के सारे गुणों को अपने अंदर उतारते हैं और सारे बैर भावने बैर की भावनाओं को अपने अंदर से निकालते, एक दूसरे के नफरत की भावना, डाह की भावना, जो घात की भावना, यानी जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ का जितना स्वभाव है, यदि आप अपने अंदर से बाहर करते हो तो वह स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होगा। और अवश्य है कि आप जिस काम के लिए परमेश्वर के पास आते हो वह परमेश्वर आपके हर एक कामों पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए वचन की तरफ चलते हैं। नया